सभी को सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर वन में कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूं। कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ का एक अभिन्न अंग है, वहीं पर मैं कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, हमारा एक वैदिक ऑर्गेनिक फार्म है जो कि ग्राम नूनीखेड़ा में जानसठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, मुजफ्फरनगर जनपद में ही स्थित है, जहां पर हम कम लागत प्राकृतिक कृषि पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। किसान भाइयों, प्राकृतिक कृषि चैनल को प्रारंभ करने का जो हमारा उद्देश्य है, कम लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना ताकि कृषकों की उत्पादन लागत को कम किया जा सके और कृषकों की आय में वृद्धि की जा सके, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि 2022 तक कृषकों की आय दुगनी हो। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम भविष्य में आपको प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपके साथ, और आपको जो जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी वो सभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होंगी। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सूक्ष्म रूप में आप लोगों को प्राकृतिक खेती के लाभ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा फायदा इसका प्राकृतिक खेती का हमें ये है किसान भाइयों कि हम आज की तारीख में भूमिगत जल का बहुत अधिक मात्रा में दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने पर स्वतः ही प्राकृतिक रूप से जल संरक्षण होता रहता है। इसमें 10-20% जल के माध्यम से ही हम खेती को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। केंचुए प्राकृतिक रूप से जल संरक्षण का कार्य करते रहते हैं। एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है कि हमारे खेती के जो बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे गन्ने की पत्ती है, वेस्ट मैनेजमेंट करना भी इसके माध्यम से बहुत आसान है, जैसे गन्ने की पत्ती है, धान की पुआल है, इनका हम फसलों में मल्चिंग में प्रयोग करते हैं तो फिर ये हमें जलानी नहीं पड़ती, इनका उपयोग हमारी खेती में हो जाता है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इस तरह से किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के बहुत सारे लाभ हैं, और एक जो महत्वपूर्ण लाभ ये कि हमारी जो गोवंश है उसका संरक्षण होता है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। ये सारे ऐसे बहुत से लाभ हैं जिनको हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। पिछले 3 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें आपसे किसान भाइयों शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली ये कि मेरी उत्पादन लागत में ज़बरदस्त कमी आई है। प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रति एकड़ 27,500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च करते थे रासायनिक उर्वरकों पर और पेस्टिसाइड पर, जो हमारा खर्च शून्य हो गया है और हमारी बाज़ार पर निर्भरता समाप्त हो गई है। दूसरा अनुभव हमारा ये रहा कि गन्ने के साथ हमने सहफसली की, तो गन्ने के साथ हमने जैसे असोजी गन्ने की बुआई की, उसके साथ हमने आलू की सहफसली की, हमने चुकंदर की सहफसली की, तो इस प्रकार गन्ने की जो हमारी मुख्य फसल है उसका पूरा उत्पादन लागत वो हमें सहफसली से प्राप्त हो गई, जिससे हमारी मुख्य फसल बोनस के रूप में हमें प्राप्त हुई। ये एक आर्थिक रूप से बड़ा फायदा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि हम इस जैविक गन्ने से जो हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक गुड़, जैविक गुड़ और जैविक शक्कर तैयार करते हैं, जिसको हम बाज़ार में सीधे मार्केटिंग के माध्यम से 150 रुपये प्रति किलो बेचते हैं, जबकि जो हमारा रसायन युक्त गन्ना है उससे जो हम गुड़ उत्पादन करते हैं उसका भाव मात्र 40-45 रुपये प्रति किलो है। तो ये सीधा सीधा आप आर्थिक आकलन कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप अपनी उत्पादन लागत कम कर सकें और आय बढ़ा सकें। किसान भाइयों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम भविष्य में कम लागत प्राकृतिक कृषि से संबंधित जो भी विधाएं हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हैं, उन पर आधारित वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। और यदि आपकी दिलचस्पी कम लागत प्राकृतिक खेती में है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।